सोमवार को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। किसान मोर्चा से योगेंद्र यादव के निलंबन पर राकेश टिकैत ने दी प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल का दावा, बोले नवाब मलिक के पास एनसीबी अधिकारी समीर वनखेड़े के खिलाफ ठोस सबूत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को जाएंगे अयोध्या, कर सकते हैं रामलला के दर्शन। तेलंगाना के करीमनगर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिएक्टर स्केल पर 4.0 भूकंप की तीव्रता मापी गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित जनपद चंपावत का भ्रमण के दौरान तिलवाड़ा पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया और पीड़ितों से मिलकर उनके दुख दर्द को बांटा। वहीं उनके प्रति उन्होंने संवेदना भी व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी, साथ ही उन्होंने सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी किया, जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत व बचाव कार्यों में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए, पीड़ितों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाए। सीएम ने कहा कि हमारे तरफ से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश से हुई आपदा की घटनाओं में सड़क मार्गों समेत औद्योगिक क्षेत्र में नुकसान हुआ है। 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंची केंद्र की इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ने पिथौरागढ़ पहुंचकर विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण कर आपदा से हुई क्षति का जायजा लिया गया। गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह के निर्देश पर 5 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची है। चारधाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत पिथौरागढ़ से घाट तक निर्माण ऑल वेदर रोड समेत PMGSY के अंतर्गत निर्मित सड़कों में हुए नुकसान का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की तरफ से भारत सरकार ने आई टीम के सदस्यों को जनपद में हुए नुकसान के संबंध में विभागार जानकारी के बारे में बताया गया। पहाड़ों में हुई लगातार बारिश की वजह से कई गांव प्रभावित हुए हैं और भारी बारिश की वजह से लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश के बाद कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और इन्हीं से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए डीएम रंजना राजगुरु मौके पर पहुंचे। डीएम ने क्षेत्रीय विधायक के साथ मिलकर इलाके का जायजा लिया। मौके पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता की जाए। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जल भराव से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति के लिए भोजन पेयजल की सही व्यवस्थाएं की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनकी सूची तत्काल तैयार करें। जिलाधिकारी ने आपदा से प्रभावित लोगों से कहा कि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वे संबंधित तहसीलदार से संपर्क कर अपनी समस्या को बताएं। रुड़की में कूड़े से अब जल्द ही बिजली बनाने वाले प्लांट की तैयारी शुरू होने वाली। यह प्लांट शहर और आसपास के गांव देहात से इकट्ठा किए गए कूड़े से बिजली तैयार करेगा, जिससे सरकार को 2 गुना लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार सालियर में जल्द ही 2 मेगावाट से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसको लेकर नगर निगम ने टेंडर भी जारी कर दिया है। बता दें कि रुड़की नगर निगम काफी लंबे समय से वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट की कवायद में लगा हुआ था। वहीं इस प्रोजेक्ट को PPP के मोड पर तैयार किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 30 करोड़ रुपए होगी। वहीं रुड़की और आसपास के निकायों से प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन कूड़ा बिजली बनाने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। अब हमने जो नया टेंडर निकाला है, हाल ही में निकाला है, पिछले हफ्ते ही लगभग, अभी 28 तारीख को प्रीबिड मीटिंग है और 12 तारीख को, 12 नवंबर को उसका टेंडर लास्ट डेट है पढ़ने की। तो अब हमने 200 मीट्रिक टन कूड़े पे निकाला है, जिसमें रुड़की और रुड़की सहित जो आसपास के केवल 6 निकाय हैं, जिसमें लंढौरा, मंगलौर, झबरेड़ा, लक्सर, भगवानपुर, कलियर, ये 6 निकाय हैं। तो ये अपना कूड़ा वहीं सालियर प्लांट पे लाके देंगे तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 हो जाएगी, तो जिस कारण उसको वायबिलिटी आ पाए और हमारा प्लांट। नैनीताल में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह रावत ने वार्ड नंबर 4 हरिनगर के बलिया नाला क्षेत्र में हुई दैवीय आपदा से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और पीड़ितों से मुलाकात की। दैवीय आपदा से प्रभावित 66 परिवारों में से राजकीय इंटर कॉलेज में अस्थायी रूप से शिकायत किए गए
31 पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। पीड़ित परिवारों ने नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराया कि सरकार और प्रशासन की तरफ से अब तक क्षति न तो कोई आकलन किया गया है और ना ही कोई क्षतिपूर्ति की गई है। स्कूल में परिवारों को जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। मौके से ही नेता प्रतिपक्ष ने जिलाधिकारी व आपदा सचिव के फोन पर बात की और आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए निर्देश दिए हैं। यदि देवी आपदा जिसका रेड अलर्ट घोषित था और उस देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सरकार, हम जानते हैं कि देवी आपदा नहीं रोकी जा सकती, लेकिन देवी आपदा के बाद जिस त्वरित गति से सरकार को कार्य करना चाहिए था। सरकार 2 साल लगातार चले कोरोना संक्रमण के बाद त्योहारों के सीजन पर बाजारों में फिर से रौनक दिखाई दे रही है। कल करवा चौथ है, इसलिए बाजारों में करवा चौथ की रौनक वापस लौटी है। महिलाओं में करवा चौथ को लेकर काफी उत्साह है। ऋषिकेश में महिलाओं बाजार में करवा चौथ के पूजा सामान खरीदने पहुंच रही हैं। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं मेहंदी लगाने पहुंच रही हैं, जिससे मेहंदी आर्टिस्टों के चेहरे भी खुशी से नजर आ रही है। त्योहारों पर व्रत रखने वाली महिलाएं बाजारों में जमकर खरीदारी कर रही हैं। महिलाओं के हाथों पर अलग अलग डिजाइन की खूबसूरत मेहंदी भी लगाने का सिलसिला बदतर जारी है। वही बाजार में रौनक पड़ने से दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। मेहंदी बहुत शुभ मानी जाती है। पिछले 2 साल कोरोना की वजह कोई भीड़ दिखाई नहीं दे रही थी, इस साल काफ़ी अच्छा लग रहा है। भीड़ भी है और लोग भी है, लगाने वाले अवेलेबल, काफ़ी अच्छा लगता है मेहंदी लगवा के। 2 साल से तो हमारा काम बिल्कुल ही ठप था, क्योंकि 2 गज की दूरी मास्क जरूरी बना रहा था, तो इसलिए बहुत डर रही इंसान ना। तो इस बार क्या 2 साल बाद इस बार बहुत अच्छा रस रहा है, जैसे मतलब 2019 में था हमारे पास रस, उस टाइप से बिल्कुल पूरा रस रहा है इस बार करवा चौथ का। और कम से कम अभी तक 200-250 महिला को मेहंदी लगा चुके हैं। मेरा नाम हिमाद्री है। 2 साल से करवा चौथ का मज़ा बिल्कुल फीका था, इस बार करवा चौथ आया है, बाजारों में भीड़ है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी मेहंदी लगाई है, मेरे हस्बैंड तो यहाँ है नहीं बट तभी भी पास रखा है उनके फ़ोन पे। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं और अलग अलग इलाकों में जाकर स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धारचूला पहुंचे और आपदा मंत्री धन सिंह रावत भी साथ रहे। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसके बाद धारचूला के मानस पर्यटक आवास गृह में आपदा में मृतकों के परिजनों से मिलकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का शोक व्यक्त भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी पीड़ा को समझती है और इसी मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ितों व आम जनमानस के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बाहर परिवार को करीब 23 लाख से ज्यादा के चेक वितरित किए। नहीं देखिए, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और धीरे धीरे हमारा ये काम चल रहा है कि जो नुकसान हो गया है, जो सड़कें बंद हैं, उनको जल्दी से जल्दी खोला जाए, पुनर्निर्माण के कार्यों में गति आए। अभी अभी हम लोग कोरोना की जो मार थी उससे उभर ही रहे थे कि अब ये सबसे बड़ा नुकसान इस बार हमारा ये, इसमें सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, हमारी केंद्र सरकार का, उन्होंने पूरा आकलन करने के लिए यहाँ पर टीम भेजी हुई है और टीम भेजने के बाद और तेज़ी लाएंगे। हम अपने सारे संसाधनों का उपयोग करके जल्दी से जल्दी सभी व्यवस्थाओं को सामान्य करेंगे सरकार की। खबर गढ़वाल से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत आर्य के दिशा निर्देशन के पूल्ड आवास परिसर में पौड़ी अधिकारी एवं कर्मचारी व स्थानीय लोगों ने अमृत महोत्सव में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें कुटुंब न्यायालय से सफाई अभियान का शुभारंभ करते हुए टीम मुख्य पूल्ड हाउस परिसर, रास्ते, गलियारे आदि स्थानों पर पहुंचे। नेहरू युवा केंद्र पौड़ी के तहत आयोजित अभियान जिला पंचायत, नगर पालिका व स्वजल के सहयोग से चलाया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सफाई अभियान में तैनात टीमों को कपड़े के थैले वितरित किए और कहा कि इस तरह से स्वच्छता अभियान निरंतर चलते रहने चाहिए। खबर गढ़वाल से है, जहां पर अमृत महोत्सव पर कार्यक्रम कई आयोजित किए गए, जिसमें कई नगर पालिका के लोग मौजूद भी गए, जहां पे नेहरू युवा केंद्र पौड़ी के तहत आयोजित अभियान जिला पंचायत, नगर पालिका व स्वजल के सहयोग से चलाया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने सफाई अभियान में तैनात टीमों को कपड़े के थैले वितरित किए और कहा कि इस तरह के स्वच्छता अभियान निरंतर चलते रहने चाहिए।
विकास नगर में सीओ कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। हंगामा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी विकास नरवीडी उनियाल को ज्ञापन सौंपा गया। कोरका मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेबी कार्की और पीड़ित परिजनों ने कहा कि पिछले साल दिसंबर महीने में डुमेट निवासी विजय थापा का शव बड़वाला के जंगल में उल्टा पड़ा हुआ मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कोतवाली विकास नगर में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने इस हत्या का मामला बताकर मुकदमा दर्ज नहीं किया था। जबकि शुरुआती जांच में पता चला था कि मृतक का मोबाइल फोन का लोकेशन कालसी में बंद हुआ था और उसका शव बड़वाला में जंगल में मिला था। इस मामले में परिजनों ने पुलिस को अपहरण और हत्या की आशंका जताते हुए तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने इस गुमशुदा का मामला बताते हुए जांच को भटकाने की कोशिश कर दी। भगतराम वाला मामला है, तो ये सन 2015 का केस है। इस संबंध में थाना विकास नगर में एक 364 का मुकदमा पंजीकृत हुआ है और तत्काल उस समय जो है एक अभियुक्त का इसमें चालान करके कोर्ट भेजा गया था, जो माननीय न्यायालय में इस समय विचाराधीन है। तो उन लोगों की क्वेरी ये थी कि उसमें डेड बॉडी नहीं मिल पाई या कुछ, उनका ये था कि कुछ और लोग इन्वॉल्व थे, तो उनसे कहा गया कि जो भी उनकी उनको लगता है तो वो अपने पक्ष रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम तदनुसार उसमें कार्रवाई करेंगे। सितारगंज के नानकमत्ता में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कृषि कानून में शहीद हुए किसानों के लिए अंतिम अरदास रखी गई। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में शहीद हुए उन किसानों के लिए नानकमत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आत्म शांति के लिए अंतिम अरदास रखी गई है, जिस पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सेवा सिंह ने बताया कि गुरुद्वारे में अखंड पाठ साहिब का आरंभ हुआ है और अब भोग के साथ अंतिम अरदास की खत किया जाएगा। बता दें कि अंतिम अरदास को 21 तारीख से ही शुरू हुआ था और लोग काफी ज्यादा संख्या में शामिल हुए हैं। 21 तारीख को नानकमत्ता साहिब में जितने भी हमारे किसान शहीद हुए हैं इस मोर्चे में और अच्छे तौर पे जो अभी तिकोनिया में हमारे 55 किसान अपनी मांगों के लिए जूझते हुए शहीद हुए हैं, उनकी याद में 21 तारीख को गुरु नानक अखंड पाठ साहिब किया गया है, जिसका भोग 23 तारीख को पड़ेगा, कल पड़ेगा। और समूह संतों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गिनती में आएं और उन किसानों को हम सिंधा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने लालकुआ पहुंचे, लेकिन आपदा प्रभावितों के विरोध की संभावना के चलते गौला नदी के किनारे सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र इंदिरानगर और खुरिया खत्ता में जाना तो दूर, आपदा से बेघर हुए पीड़ितों से भी नहीं मिले, बल्कि कुछ कार्यकर्ताओं के यहाँ पहुंचकर बरसात के पानी से हुए खेती में नुकसान का जायजा लेते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर चल दिए। बता दें कि विगत दिनों प्राकृतिक आपदा से बिंदु खत्ता गौला नदी के आसपास मकान, सड़क, बिजली के पोल सहित दर्जनों एकड़ उपजाऊ फसल भी बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद लगातार नेताओं का आना जाना जारी है, लेकिन राहत के तौर पर अभी तक किसी भी पीड़ित को राशि जारी नहीं की गई है। विधानसभा में विधायक जी के, जिलाध्यक्ष जी के और अपने प्रमुख सब नेताओं के साथ मैंने सब क्षेत्र का मैं भ्रमण किया है। बड़ी मात्रा में यहाँ फसल का नुकसान है। ये सही है कि वन भूमि होने के कारण जो मुआवजा वाली स्थिति थी उस पर मैंने विधायक जी चर्चा की है, किसी को भी कोई रास्ता निकाल के इसका हम लोग समाधान निकालेंगे कि सबको उनकी फसल के। आपदा प्रभावित क्षेत्र बिंदु खत्ता में अब तक नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं, मगर पीड़ितों के ठोस मदद नहीं हो पा रही थी, जिससे लगातार आपदा पीड़ितों में रोष पनपता जा रहा है। ऐसे में नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वर आनंद महाराज ने प्रभावित क्षेत्र में अपने तूफानी दौरे के तहत पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाने का काम किया है। उन्होंने बिंदु खत्ता पहुंचकर आपदा प्रभावितों को तत्काल राशन मुहैया कराया और सेंचुरी पेपर मिल के अधिकारियों से वार्ता कर तत्काल पीड़ितों के लिए घर बनाने के भी निर्देश। गौरतलब है कि विगत दिनों में पूर्व आई भीषण बाढ़ में बिंदु खत्ता क्षेत्र के किसानों की कई एकड़ भूमि एवं 3 मकान गौला नदी में समा गए थे। फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने बेघर हुए लोगों को विद्यालय में ठहरने की व्यवस्था की गई है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा ये पानी का जो रुख हुआ गांव की तरफ,
इसको डाइवर्जन करने की बात है। इस पानी को विपरीत दिशा में कैसे लेके जाया जा सकता है, उसके लिए हमने आदेश दिए हैं कि इस पानी को डाइवर्जन किया जाए ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह सके। अभी यहाँ के जो हमारे DFO हैं वो हमारे साथ हैं, कल 10 बजे से यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा पोपलैंड के द्वारा, JCP के द्वारा, ताकि पानी का जो बाव गांव की तरफ उसको विपरीत दिशा में ले जाया जा सके, जिससे गांव सुरक्षित रह सके। और 3-4 मकान आपदा में समाप्त हो गए हैं बिल्कुल। वो अभी हमारा जो सेंचुरी पेपर मिल है उसके अधिकारियों से मेरी बात हुई है, वो फैब्रिकेट मकान बनाने के लिए तैयार है, राजी हो चुके हैं। एक मकान लगभग 3.5-4 लाख में बनेगा, ज़मीन मिलने के तत्काल बाद हम उस पर काम शुरू कर देंगे। और तीसरी बात, इस समय जो जिनके मकान ही चले गए हैं उन पर खाने की व्यवस्था भी नहीं होगी, उसके लिए तत्काल हमने राशन की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि वो अपना भोजन इत्यादि बनाकर अपना पेट भर सके। तम कर रहे हैं और पूरी सरकार जितने भी हमारे आपदा पीड़ित हैं उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी लगातार अधिकारियों के। चंपावत में भारी बारिश के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए DM खुद निकले। इस इलाकों में भारी नुकसान हुआ है और वहां का DM ने जायजा लिया। DM ने क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों में जाकर अधिकारियों को सड़कों को जल्द से जल्द सुचारू करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने गल्ला गाँव में जाकर स्थिति का जायजा लिया। DM ने बाराकोट पार्टी और चंपावत ब्लॉक के विभिन्न आपदाग्रस्त घरों सड़कों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गाँव में हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त की। आगे उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि सर्वेक्षण टीमों को अपने गांव में हुए नुकसान की जानकारी दें। खबर चंपावत से है, जहां नुकसान का जायजा लेने पहुंचे हैं वहां के DM। उन्होंने भारी बारिश के बाद हुए नुकसान को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और वहां पे अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। DM ने बाराकोट पार्टी और चंपावत ब्लॉक के भिन्न भिन्न आपदा घरों और सड़कों के स्थलीय निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान गांव में हुए नुकसान की जानकारी प्राप्त की। और आगे उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि सर्वेक्षण टीमों को अपने गांव में हुए नुकसान की जानकारी दें। हमारा ये भिंगराना खेती खान ये वाले क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो आपदा की वजह से बहुत नुकसान हुआ है यहाँ लोगों का। लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, लोगों के आंगन चले गए हैं, पुश्ते काफ़ी डैमेज हुए हैं। जो हमारा धूनाघाट से भिंगराना वाली रोड है ये अभी भी बंद है, ये बिल्कुल तक खुल गई है, उससे आगे अभी थोड़ा समय लगने की संभावना है। बीच में हमारी जो फुल कलवर्ट पड़ते हैं वो काफ़ी डैमेज हो गए हैं, दो जगह से रास्ता चला गया है। ये सभी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और हम लोग सर्वे करा रहे हैं, तो गाँव में घर घर में पटवारी जाएंगे, टीम जाएगी, जिसके जो नुकसान हुए हैं जो आपदा मानकों में कवर हो पाएंगे उन सबको राहत सामग्री। CM पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अवरुद्ध मार्गों, क्षतिग्रस्त बिजली और पेयजल लाइन को जल्द से जल्द बहाल करने और आपदा पीड़ित परिवारों तक हर संभव मदद पहुँचाने के दिशा निर्देश दिए। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग के CM ने निर्देश दिया है कि आपदा प्रभावित सभी क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा और दवाइयां पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि गैस सिलेंडर फटने से जिन अस्पतालों के गोपेश्वर में भर्ती गंभीर घायलों को आज एयर एम्बुलेंस से हायर सेंटर रेफर किया जाए। इसी के साथ प्रभावित इलाकों पर खास ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। कलियर के थाना पुलिस ने अलग अलग मामलों का खुलासा किया। पुलिस ने उर्स मेले में हुड़दंग मचाने वाले 8 युवकों को गिरफ्तार किया, तो वहीं चोरी के मामले में एक आरोपी को चोरी की गई नकदी के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मेले में अपने से बिछड़े 66 लोगों को उनके परिजनों से मिलवाया। थाना परिसर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए CO रुड़की विवेक कुमार ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार SP देहात के निर्देशानुसार उर्स मेले में हुड़दंग मचाने वाले 8 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ हुड़दंगी हल्ला कर रहे हैं और मेले का जो माहौल है शांति व्यवस्था खराब कर रहे हैं। इस पर जो हमारे CO अंडर ट्रेनिंग नताशा सिंह, SO धर्मेंद्र राठी और मेला जो प्रभारी निरीक्षक हैं देवराज शर्मा, उनकी संयुक्त टीम द्वारा एक प्रयास किए गए और इसमें लगातार जो कार्रवाई के अंतर्गत कल 8 लोग जो हैं वो हल्ला करते हैं उनको गिरफ्तार किया गया।
इसमें कुछ लोग मुजफ्फरनगर के हैं, कुछ लोग अहमदनगर के हैं। एक दूसरे इंसिडेंट में जो प्रतापगढ़ यूपी से जो हमारे जायरीन आए थे उनके साथ एक चोरी का इंसिडेंट हुआ था जिसमें उनके कुछ नकद पैसे और कुछ जरूरी कागजात जो है चोर द्वारा चुरा लिए गए थे। तो इस मेले के दौरान ही जो हमारी यही टीम है इसके द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई इस पर, और इसमें भी जो संगरूर पंजाब का रहने वाला अभियुक्त है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी बाकी जो आपराधिक इतिहास है उसकी भी जानकारी की जा रही है और भी अन्य कई घटनाएं इसने की है। चमोली के नजदीक आज अचानक मैठाणा गांव के एक घर में सिलेंडर से लगी आग से लोगों में हड़कंप मच गया। मैठाणा गांव के एक घर में गैस सिलेंडर से आग लग गई जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड और चमोली पुलिस को सूचना दी। वहीं इस घटना में एक ही परिवार के 6 लोग आग की चपेट में आने से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया गया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया है। अल्मोड़ा में बीते दिनों हुई भारी बारिश से जहां एक और लोगों को कई जख्म दे गई है, वहीं अब यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने से जिले में अब पेट्रोल डीजल की व्यवस्था चरमराने लगी है। हालत यह है कि जिले के अधिकांश पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। बाहरी राज्यों से पहाड़ घूमने आए सैलानियों को भी पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे सैलानियों समेत आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी दिव्या पांडे के मुताबिक जिले में 22 पेट्रोल पंप हैं, जिसमें कुछ ही पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल का स्टॉक है जबकि अधिकांश में पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। वहीं अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएचए पे बीते दिनों हुई भारी बारिश के क्षतिग्रस्त हो गया है। अभी तो हम लोग मुंशियारी से आ रहे हैं तो रास्ते भी बंद हैं और मुंशियारी से नीचे तक पेट्रोल भी नहीं है, तो हमें लगा था अल्मोड़ा मिल जाएगा लेकिन यहाँ पेट्रोल नहीं है। हमें नैनीताल जाना है, नैनीताल का भी रास्ता बंद ही है, तो अब पेट्रोल देखना पड़ेगा कि पेट्रोल का कैसे करना है। एमरजेंसी में फंसे हैं, किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या मांग करते हैं? अभी तो रास्ता आने का तो है रास्ता, लेकिन बस पेट्रोल का ही दिक्कत है। रास्ता तो खुल गया है, धीरे धीरे खोल रहे हैं रास्ता। अल्मोड़ा के पेट्रोल पंपों में आज की डेट में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अल्मोड़ा शहर के अंदर किसी भी पेट्रोल पंप में ना पेट्रोल की व्यवस्था है ना डीजल की व्यवस्था है, और शासन प्रशासन की गाड़ियाँ चल रही हैं लेकिन पब्लिक की टैक्सियाँ और पब्लिक के प्राइवेट वाहन को डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए बहुत अव्यवस्था हो गई है। और लोगों के अंदर वैसे ही इस 3 दिन बारिश से जो है ऐसी आपदा आई हुई थी, और इस पेट्रोल पंप के इनकी वजह से जो है आज जो पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है इसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, और लोगों के पास रोज़गार की व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, और शासन प्रशासन की गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको पेट्रोल डीजल कैसे मिल। मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के सौजन्य से पिक्चर पैलेस स्थित राधा कृष्ण मंदिर की करवा चौथ की पूर्व संध्या पर मेहंदी मिलन कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें शहर के विभिन्न महिलाओं ने मेहंदी लगवाई और जमकर डांस किया। साथ ही इस अवसर पर महिलाओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक रजत अग्रवाल ने कहा कि ट्रेडर्स एसोसिएशन लगातार मसूरी में विभिन्न आयोजित कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है, इसी को देखते हुए आज करवा चौथ की पूर्व संध्या पर महिलाओं के हाथों में मेहंदी लगवाई गई है। और आइए अब नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मंदसौर के गांव नाहरगढ़ में स्थिति काफी बाघ हनुमान मंदिर परिसर में शाम परिवार के तत्वाधान में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस शिविर में 27 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में 27 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया और इस दौरान शिविर में जिला चिकित्सालय के रक्त कोष की टीम पहुंची और रक्तदान शिविर सम्पन्न करवाया। इस दौरान गाँव के जनप्रतिनिधि युवा साथी भी मौजूद रहे। मंदसौर की थाना दलौदा पुलिस ने अंग्रेजी शराब की भारी ट्रक से 424 पेटी अवैध शराब को जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 35 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने देर रात इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि दालौल थाना अंतर्गत ग्राम कचनारा में अंग्रेजी शराब ठेके पर ट्रक से अवैध शराब के सप्लाई की सूचना मिली थी। थाना प्रभारी संजीव परिहर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो वहां खड़े ट्रक से शराब उतार कर दुकान में रखी जा रही थी। पुलिस ने अंग्रेजी शराब से भरी ट्रक को जब्त किया और पुलिस ने ट्रक मालिक वजीर मेव व सचिन दीक्षित को मौके पर से गिरफ्तार किया। वहीं एक अनारोपी भी नीलेश शर्मा मौके से फरार हो गया है।
मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि अवैध शराब कचनारा लाइसेंसी दुकान पर उतारी जा रही है। मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए तत्काल फोर्स वहां पहुंचा, जिसमें मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कुछ शराब लाइसेंसी दुकान के अंदर रखना बताया और कुछ ट्रक के अंदर थी। तो ट्रक के अंदर की शराब तो पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई, फिर उसके बाद आबकारी अधिकारियों की मदद से अंदर की शराब भी, जो एक्स्ट्रा शराब थी अवैध थी जो ट्रक से उतारी गई थी, उसको भी जब्त किया गया। कुल 424 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कीमती करीब 35 लाख रुपये। इसमें 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक तो जो वजीर खां था, ट्रक ड्राइवर, जावरा का निवासी है, उसके खिलाफ सचिन दीक्षित हैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के, उनको गिरफ्तार किया गया। वहाँ की नीलेश शर्मा कोतवाली ग्वालियर के हैं, ये मौके से फरार हो गए थे। और मनीष जाट जो लाइसेंसी है उनको। प्राइम टीवी की खास खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।